मधुबन के सुंदर पावन भूमि में जब भी आते हैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं ना, समझते हैं? सब इंतजार कर रहे थे 2 साल से कि कब मधुबन के द्वार खोलें और हम सब मधुबन पहुंचे। तो ये भाग्य है कि हमें मधुबन में आने का, भट्टी में 3-4 दिन रहने का, सेवा में 1-2 मास रहने का सुंदर भाग्य मिला है। इस भाग्य को बहुत ज्यादा और भी बढ़ा लेना है। मुझे याद आता है पहली बार जब मैं मधुबन आया था तो 3-4 दिन का जो प्रवास था उसमें पूरी तरह मौन थे। लक्ष्य यही था कि एक एक पल मधुबन का सफल हो, एक एक पल जिसे मिलने आए हैं, जिसे देखने आए हैं, जिससे भरपूर होने आए हैं, बस वो और मैं। तो मौन का भी एक अपना सुंदर आनंद है ना, उसमें विस्तार फिर नहीं रहता, केवल हम ही हम रहते हैं। इसीलिए जो भट्टी में आए हैं वो तो 3 दिन मौन में जरूर रहिएगा, प्राप्ति करनी है यदि संपूर्ण तो। और जब मधुबन में समर्पित भी हुए तो पहले 1.5-2 साल पांडव भवन में रहने का जो भाग्य मिला उसमें पूरी तरह 2 ही चीजें रही, याद और सेवा। एक स्लोगन रखा था अपने लिए, सिर नीचे और बुद्धि ऊपर। कुछ और देखने की जरूरत नहीं है, सिर नीचे हो बुद्धि ऊपर हो। सिर नीचे अर्थात कौन क्या कर रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, वो देखने की जरूरत नहीं है। स्वदर्शन, परमात्म दर्शन, इससे ही तो अपनी उन्नति होती है ना। इसलिए कहते हैं अंतर्मुखी सदा सुखी। अंतर्मुखता ही हमारी आध्यात्मिक उन्नति की पहली सीढ़ी है, क्योंकि अंदर जाकर के ही हम खुद को देख पाते हैं, परख पाते हैं। तो बहुत बहुत भाग्यवान बाबा की चरित्र भूमि में, पुण्य भूमि में रहने का भाग्य मिला है, तो इसे जरूर पूरी तरह एक एक पल को सफल करें। कर रहे होंगे, करना भी। आज 9 तारीख है, पूरा भी होने वाला है 2 घंटे बाद। ठीक 2 महीने बाद कौन आने वाला है? प्यारे बाप दादा का सीजन फिर से शुरू होने वाला है। हम सबको बहुत इंतजार रहता है ना कि बाबा आए, हम सब मिलें। भले ही सूक्ष्म मिलन है, लेकिन अब भी सूक्ष्म मिलन में भी वही मिलन का आनंद और अनुभव हम सबको होता है। तो सब इंतजार कर रहे हैं ना, अभी से आह्वान कर रहे हैं। सबसे प्यारे से प्यारा तो बाबा है ना, हमारी जान बसती है बाबा में। तो बाबा ने जो पिछले सीजन में हम सबको होमवर्क दिया था वो सब याद है, क्योंकि जब अपने सुप्रीम टीचर के सामने हम जाएंगे, उनसे मिलेंगे, तो टीचर की क्या अपेक्षा रहती है कि मैंने जो होमवर्क दिया था अपने स्टूडेंट्स को वो होमवर्क पूरा करके आए हैं ना। तो सभी ने होमवर्क किया है ना। 2 मास है हमारे पास, चलो थोड़ा ऊपर नीचे रहा भी हो, 2 मास हमारे पास है। आज से लेके ठीक 10 अक्टूबर को बाबा आने वाले हैं। हम इस 2 मास में लक्ष्य रखें कि पूरी तरह बाबा ने जो कहा है उस पर अच्छे से वर्क करेंगे, क्योंकि जो स्टूडेंट होमवर्क करके क्लास में जाता है
तो वो बड़े उत्साह में रहता है कि टीचर मुझसे पूछे, मैं फट से बताऊंगा। और जिसने होमवर्क नहीं किया होता वो पीछे बैठा हुआ होता है छुप के, कि कहीं मुझसे ना पूछ लिया जाए। और वो टीचर उसी से पूछते हैं कि हाँ तुम बताओ, छुप रहे हो। तो हम छुपते तो नहीं, लेकिन ये हमारे दिल का प्यार है, सम्मान है बाबा के लिए। हम कहते हैं कि बाबा आपसे बहुत प्यार है, आपके लिए बहुत सम्मान है। तो ये प्यार और सम्मान क्या है बाबा के लिए? जो वो कहें वो करना। हम यदि कह रहे हो बहुत प्यार है, लेकिन वो कह रहे हैं उत्तर में चलो और हम दक्षिण में चलते हैं, कहें पूर्व में चलो हम पश्चिम में चलते हैं, हाँ, तो इसको प्यार कहेंगे? तो लोग भी कहते हैं ना कि नहीं, तुम्हारा प्यार तो बस ऊपर ऊपर का, दिखावे का ही है, मुख का बस प्यार है, कि हाँ हाँ मेरा प्यार है, प्यार है। प्यार वो जिसमें हम बलिहार जाएं, प्यार वो जिसमें जो हमारा प्रियतम कह रहा है पहले वो, मुझे वो करना है, कोई करे या ना करे मुझे करना है। यहां प्यार दिखता है, ये रियल रिस्पेक्ट है उनके लिए। और बाबा को भी खुशी तभी होगी ना जब हम वो करके जाएंगे, उनकी नजर, उनकी दृष्टि, उनकी शक्ति मिल जाती है। जगदीश भाई जी ने जैसे बाबा के दिए हुए होमवर्क को किया ना, भले लाइट नहीं थी, अंधेरा हो गया, आंधी तूफान है, स्ट्रीट लाइट में बैठे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, बाबा ने होमवर्क दिया है, उस होमवर्क को करने से जगदीश भाई जी कहां से कहां पहुंच गए ना, राइट? उस समय भी तो बहुत सारे रहे होंगे ना, अच्छे अच्छे विद्वान रहे होंगे जो बाबा के पास आए थे, लेकिन जिसने होमवर्क किया, ईश्वरी आज्ञा का पालन किया, भगवान की दृष्टि पड़ गई, भगवान का वरदान मिल गया, उसकी शक्ति मिल गई, और आत्मा तो जो ईश्वरीय आज्ञा का पालन करता है, बाबा ने कहा किया। मम्मा और बाबा नंबर वन कैसे बने? बाबा ने कहा किया, कहा किया, ये नहीं कि कल कर लेंगे, ये नहीं परसों कर लेंगे, कर लेंगे ना बाबा, अभी ये काम पड़ा हुआ है। एक बार हम कहते हैं ना कि बाबा ये थोड़ा सा काम मेरा पूरा हो जाए, उसके बाद आप देखना मैं कितनी तेजी से फिर मैं सबको पीछे छोड़ दूंगा। लेकिन वो काम तो कभी पूरा होता ही नहीं ना। तो होमवर्क, हमारे चार धाम तो हैं ही फेमस, है ना, सब जानते हैं, लेकिन आज हम नौ धामों की यात्रा करेंगे, और उन नौ धामों की यात्रा के साथ बाबा के होमवर्क, बाबा की शिक्षा को, एक एक शिक्षा को याद करेंगे, तो आपको पूरी सीजन की मुरली याद हो जाएगी। अच्छा है ना, सिंपल वे में हमें याद रहे, ऐसे पॉइंट्स याद करते हैं तो भूल जाते हैं, लेकिन नौ धामों की आज यात्रा करेंगे, ठीक है? बाबा के उन स्थानों पर महावाक्यों को याद करेंगे जो बाबा ने कहा है, अपने आप को चेक करेंगे कि हमने वो कितना किया, चेंज करेंगे और अपने पुरुषार्थ की प्लानिंग करेंगे, जो इंस्टेंट प्रेरणा आ रही हो उसकी प्लानिंग। और वैसे भी जब हमें अभी वक्त मिला है, अच्छी प्लानिंग करेंगे, बाबा ने जो होमवर्क दिया उसे हमें करना है। नौ धाम, धाम, धाम का अर्थ ही होता है पवित्र स्थल। सब कुछ आम होता है लेकिन धाम खास होता है। पूरा मधुबन हमारे लिए धाम है, लेकिन उस धाम में भी स्पेशल धाम है। धाम अर्थात जहां हमें शिक्षा मिलती है, जहां हमें संदेश मिलता है, जहां हमें शक्ति मिलती है, सकाश मिलती है, जहां हम समीपता का अनुभव करते हैं, जहां समान बनने का हमारे अंदर संकल्प जागृत होता है, दैट इज धाम। धाम वहां जाके हम सामान्य नहीं रहते, हमारे विचार बदल जाते हैं,
धाम वो जहां हमें प्रेम की अनुभूति होती है, धाम वो जहां हमें प्राप्तियां होती हैं, धाम वो जहां से हमें प्रेरणा मिलती है। चारों धामों में क्या होता है? प्रेम मिलता है, प्राप्ति होती है, प्रेरणा भी मिलती है, और शक्ति, सकाश, समीपता, शिक्षाएं भरी हुई हैं, इसलिए धाम है। तो चलें यात्रा पर, योग युक्त होकर यात्रा करेंगे और अपने मन बुद्धि को पूरी तरह एकाग्र रखेंगे, है ना। फर्स्ट मुरली बाबा की, चलिए सभी पहुंच जाएं बाबा की कुटिया में और कुटिया में देखें, अपने मन बुद्धि से विजुलाइज करते रहिएगा। कुटिया में बाहर ही, जैसे हम कुटिया में पहुंचते हैं, कुटिया में लिखा हुआ है, तुम्हें पास विद ऑनर होना है, उसके लिए तीव्र पुरुषार्थ करना है। देखो बड़े अक्षरों में जैसे कुटिया के बाहर तीव्र पुरुषार्थ लिखा हुआ है। अंदर चलें कुटिया के, बाबा के पास बैठें। बाबा कह रहे हैं, बाबा के साथ चलना है, साथ आना है, तो तीव्र पुरुषार्थ ही बनो। तीव्र पुरुषार्थ ही बनो, पुरुषार्थ ही नहीं, तीव्र पुरुषार्थ। कभी कभी के तीव्र पुरुषार्थ ही नहीं, सदा काल के तीव्र पुरुषार्थ। जो तीव्र पुरुषार्थ करेंगे वही पास विद ऑनर होंगे। बाबा की पहली मुरली है, देखो कुटिया में तीव्र पुरुषार्थ, बाबा मुझे ये महावाक्य कह रहे हैं। अब चेक करो, क्या मेरे पुरुषार्थ में तीव्रता है या ढीला ढाला चल रहा है? तीव्र पुरुषार्थ अर्थात धुन, बस बाबा और सेवा, संपन्न संपूर्ण बनने की लगन, कोई व्यर्थ नहीं, कोई नेगेटिव नहीं, कोई टाइम वेस्ट नहीं, ऐसा तीव्र पुरुषार्थ है? नहीं है तो बाबा के पास संकल्प करें कि मुझे तीव्र पुरुषार्थ करना ही है। उसकी प्लानिंग आप करना, समा गई बात, आगे चले बाबा के कमरे में। देखें कमरे के बाहर विजन बनाते चलिएगा, कमरे के बाहर बड़ा सा स्नेह लिखा हुआ है बोर्ड में, और हम बाबा के कमरे में एंटर होते हैं, देखते हैं बाबा, बाबा की जो छोटी बैठक बनी हुई है, बाबा वहां बैठे हुए हैं और सब बच्चे बाबा के आसपास, बाबा जैसे उन सबको दृष्टि देते हुए उनके प्यार में समाए हुए हैं। सबको मुख में टोली खिला रहे हैं, स्नेह वातावरण स्नेह से भरा हुआ है। दूसरी मुरली,
जिसका एसेंस था, बाबा ने कहा जैसे बाबा तुम बच्चों के स्नेह में समाये रहते हैं, वैसे तुम बच्चों को भी बाबा के प्यार में लवलीन रहना है। ये बाबा का दूसरी मुरली का महावाक्य। देखो, जैसे हम बाबा के प्यार में, स्नेह में समाये हुए हैं, इस पॉइंट को याद करें, जैसे बाबा बच्चों के स्नेह में समाये रहते हैं, वैसे बच्चों को भी बाप के प्यार में लवलीन रहना है। चेक करें मैं कितना लवलीन रहता हूं। बाबा का तो मुझसे संपूर्ण प्यार है, वो अपना सब कुछ मुझे प्रदान कर रहे हैं, मेरे लिए आए हैं, मेरे लिए रुके हुए हैं। जब तक मैं संपन्न संपूर्ण बनूं, मेरे लिए बाबा रुके हुए हैं, विनाश को रोका हुआ है मेरे प्यार के कारण। मेरा कितना प्यार है। बाबा कहते हैं एक के प्यार में डूब जाना ही संपूर्ण ज्ञान है और यही योग है। देखो बाबा कैसे डूबे हुए हैं हमारे प्यार में। बाबा कहते हैं तुम बच्चों के सिवाय मेरा इस संसार में और कोई नहीं है। या हम भी ये कहते हैं दिल से कि बाबा आपके सिवाय इस संसार में हमारा भी कोई नहीं है, मेरा तो बस एक बाबा, दूसरा ना कोई। मुझे लवलीन रहना है, डूबे रहना है, समाये रहना है उनके प्यार में। प्यार होता ही किससे? सुंदरता से प्यार, राइट? कोई सुंदर है, प्यार हो गया। उससे सुंदर कोई है? कोई यदि संपन्न है तो प्यार हो जाता है, गुणों में संपन्न, विशेषताओं में संपन्न, धन में संपन्न, उससे ज्यादा कोई संपन्न है? सागर है, यदि किसी को विशेषता दी भी है किसी में, उसने दी है। प्यार होता है जहां समानता है, विचारों में समानता है, लक्ष्य में समानता है, उसकी जैसी समानता और किसी के साथ, धाम में समानता, रूप में समानता, गुण में समानता, तो कितना प्यार होना चाहिए। और वो अपना सब कुछ अर्पित कर रहे हैं, 36 से लेके अब तक मुझ पे इतना परिश्रम कर रहे हैं, मुझे कांटे से फूल बनाने के लिए, मुझे पत्थर से पारस बनाने के लिए, मुझे मनुष्य से देवता बनाने के लिए कर रहे हैं ना। प्यार है तभी तो कर रहे हैं ना। तो वो इतना कर रहे हैं, मैं क्या करूं? उनके प्यार में समा। चेक करें, इतने लवलीन रहते हैं। आगे आए हिस्ट्री हॉल में, जहां हम बैठे हुए हैं। देखें हिस्ट्री हॉल के बाहर या हिस्ट्री हॉल के अंदर ही बड़े से बोर्ड पे लिखा हुआ है सर्व प्राप्तियां। सर्व प्राप्तियां थर्ड मुरली बाबा की थी, संगम युग
सर्व प्राप्तियां करने का युग है। बाप तुम्हें सर्व खजाने प्रदान कर रहे हैं। क्या सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो गए हो? देखें, जैसे बाबा मुरली चला रहे हैं, हिस्ट्री हॉल में बैठे हुए, चेक करो, बाबा पूछ रहे हैं, बाबा सर्व खजाने देने आए हैं, संगम युग है ही सर्व प्राप्तियों से संपन्न होने का युग, क्या सर्व प्राप्तियां कर ली हैं? कर ली हैं। शांति का सागर शांति दे रहा है, सुख का सागर सुख से भरपूर कर रहा है, आनंद का सागर अपने सारे आनंद लुटा रहा है, सर्व गुण सर्व शक्तियों का सागर हमारे सामने है, सर्व वरदानों के दाता हमारे सामने है, क्या सर्व वरदान गुण शक्तियां मैंने ले ली हैं? ले ली हैं, ले ली हैं। ये संगम युग है प्राप्तियों का। लो, नहीं ले रहा हूं तो क्या कर रहा हूं? कहां उलझा हुआ हूं? क्या बाबा के जाने के बाद ये प्राप्तियां की जा सकेंगी? की जा सकेंगी? थोड़ी समय बाबा साकार में थे, फिर बाबा अव्यक्त में आए, फिर अब अव्यक्त से और अव्यक्त सूक्ष्म हो गए, अब सूक्ष्म से और सूक्ष्म होके जब ऊपर चले जाएंगे, क्या प्राप्तियां हम कर पाएंगे? अभी समय है, ले लें जितना लेना चाहें, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, भगवान ने अपने सारे भंडारे सारे खजाने खोल दिए हैं, ले लो। ये सर्व प्राप्ति करने का युग है, समय है। मैंने कहीं छोटे से ग्लास में लोटी में तो नहीं लिया है। ऐसी चिड़िया बने जो हप कर लें सागर को। देखो, ये केवल आप देख सकते हो, आप समझ सकते हो मैंने कितना लिया है, कितना भरा है। सागर के बच्चे हैं तो कैसे होने चाहिए? मास्टर सागर। भगवान के बच्चे हैं, दाता के बच्चे हैं, सारे कल्प हमारे हाथ ऐसे होने चाहिए, ऐसे नहीं। जो जितना अभी भरपूर होगा उतना हाथ ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा। क्या चाहते हैं? देवियां कैसे होती हैं? देवियां थोड़ी बोलती हैं कि हाँ कौन कौन आया है आओ पहले, थोड़ा 1100 रुपए, फिर उस अनुसार वरदान मिलेगा, 2100 उस अनुसार देंगे ना, ऐसा है ही नहीं। वो चढ़ाए ना चढ़ाए, आया है ना, ले। दाता, किसी से लेने की कामना नहीं है हम लोगों की ना, है क्यों? है, किसी से कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हम भगवान के बच्चे हैं, दाता के बच्चे हैं। एक भाई आए थे बहुत साल पहले, उन्होंने कहा, बड़ा स्नेही था, करीबी थे, उन्होंने कहा, रुपेश भाई मैं क्या लेके आऊं आपके लिए? उन्होंने वहीं से फोन किया, क्या लेके आऊं आपके लिए? तो मैंने कुछ सोचा नहीं था, सहज मुख से निकला, मेरे लिए वो लेके आना जो अब तक मुझे भगवान ने ना दिया हो। ये अंदर से निकलना चाहिए, अंदर से, और ये इंस्टेंट निकलता है। यदि अंदर है तो बाहर आता है। यदि चाहना है, ये चाहिए ये चाहिए, ये मुझे वो दे, ये मुझे वो दे, या तो लेवता होंगे या देवता होंगे, एक ही चीज हो सकते हैं। और एक बात अंडरलाइन रखो, देने वाला कभी गरीब नहीं होता और लेने वाला कभी अमीर नहीं होता, इसलिए लेने की कामना नहीं,
कौन है हमारा बाप, उसने कोई कमी रखी है। जैसे होता है ना, कोई बड़े बाप का बच्चा किसी से कुछ मांगे तो बाप कहता है ना, कोई कमी थी क्या तेरे को? मैंने कोई कमी रखी थी जो तू मांग रहा है किसी से? वो कब होगा? जब अभी बाबा से सब कुछ ले लेंगे, ले लेंगे, ले लेंगे। इसलिए समीप रहें, लेने का तरीका समीप रहना। हम एग्जाम्पल देते हैं ना, सागर के किनारे बैठो, ऑटोमेटिक उसकी शीतलता मिलेगी। आग के पास जाओ, ऑटोमेटिक उसकी अग्नि, उसकी तपिश फील होगी। लेने का तरीका, साथ रहो। जब मैं साथ हूं, भरपूर होता जाऊंगा, भरपूर होता जाऊं। जैसा संग, और किसके साथ रहना है? वही तो है ना, जिसके साथ हम रहें। बाकी सबके साथ पूरे कल्प रहेंगे। इसलिए बात करो, सारे कल्प मनुष्यों के साथ रहा हूं, मनुष्यों के साथ ही रहूंगा। सारे कल्प मनुष्यों को देखा है, मनुष्यों को ही देखूंगा। सारे कल्प मनुष्यों से सुना है, मनुष्यों से ही सुनूंगा। सारे कल्प मनुष्यों के लिए जिया हूं, मरा हूं, उन्हीं के लिए जीऊंगा मरूंगा। अब वो उसे ही देखूंगा, उससे ही सुनूंगा, उससे ही बातें करूंगा, उसके ही संग्रह करके सब कुछ लूंगा। ये है बुद्धिमत्ता। इसको कहते हैं बुद्धिमानी, कि जब भगवान आया उसके साथ रहे, राइट, उसके साथ रहे, तब मिलेगा, सर्व प्राप्ति होगी, राइट। हिस्ट्री हॉल में क्या किया हमने? सर्व प्राप्तियां। आगे चलो, शांति स्तंभ, बाबा खड़े हैं और लिखा हुआ है बड़ा सा, बाप समान, बाप समान। चौथी मुरली बाबा ने कही, तुम्हें बाप समान बनना ही है। ये मैं बाबा के महावाक्य बता रहा हूं। तुम्हें बाप समान बनना ही है, दृढ़ संकल्प करो, दृढ़ता को अपना साथी बनाओ, और जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया वैसा करो। जैसे वो चलते थे, जैसे कर्म करते थे, जैसे बोलते थे, जैसे सोचते थे, ब्रह्मा बाबा को अपनी आंखों में समाकर उन्हें सामने रखते हुए बाप समान बनो, बाप समान बनो। ये बाबा की चौथी मुरली, होमवर्क। कितने समान बने बाबा ने कहा, बाबा को सामने रखो। हम कितना सारे दिन बाबा को अपने सामने रखते हैं। जिसके समान हमें बनना है वो कितना हमारे सामने रहते हैं। बाबा ने कहा, बाबा को सामने रखते हुए अपने नैनों में समा करके बार बार देखो, बाबा कैसे कर्म करते, कैसे बोलते, कैसे सोचते। एक सूत्र वाक्य अपने पास रखो, अभी जब तक भट्टी में है और जब तक मधुबन में है, सूत्र वाक्य, बाबा होते तो, बाबा होते तो क्या करते, क्या करते, बाबा कैसे चलते, बाबा कैसे बैठते, बाबा कैसे देखते, बाबा कैसे खाना खाते, बाबा जब बोलते तो कैसे बोलते, जब सोते तो कैसे सोते। जस्ट बाबा को अपने सामने ले आए, अपनी बुद्धि रूपी नेत्र से ज्ञान के आधार पे जानते हैं ना बाबा कैसे थे, जानते हैं ना? किस किस ने बाबा को देखा है, जरा हाथ उठाएं। किस किस ने बाबा को देखा है? हाँ, नहीं देखा, हाथ तो उठो। सबने देखा ना, सबने देखा ना। और किसको देखते हो फिर सारे दिन? सारे दिन ही तो उसी को देखते हैं। ये जरूरी नहीं इन चर्म चक्षुओं से हम उन्हें देखें या देखा, नहीं,
जो मन की आंखों से देखता है, दिल की आंखों से देखता है, ये है रियल में देखना। भाई भी थोड़ा सामने आ जाओ, इधर भी बैठ सकते हैं, मेरे पास भी आ सकते हैं। तो शांति स्तंभ बाप समान, महावाक्य बाबा का, तुम्हें बाप समान बनना ही है, बाप समान बनना ही है। बार बार बाबा ने ऐसे अंडरलाइन कराया, देखो कैसे बाबा का सोचना, कैसे बोलना, कैसे कर्म करना। तो सूत्र वाक्य रखेंगे, बाबा होते तो, बार बार। ठीक है, ठीक है, आगे चलें। पांचवा धाम शांति स्तंभ के अलावा ओम शांति भवन, जहां बाबा कितनी बार आए ना। देखें ओम शांति भवन में बाबा एक गुलाब की सुंदर सी माला पहन के बैठे हुए हैं, और हमें भी हर एक को गुलाब की माला पहना रहे हैं। देखो विजन बनाओ, अव्यक्त बाप दादा ओम शांति भवन में मंच पर बहुत सुंदर लाल गुलाब के फूलों की माला पहन के बैठे हैं, हम सबको दृष्टि दे रहे हैं, और हम सबको भी बुला के माला पहना रहे हैं गुलाब की। मुरली के महावाक्य बाबा के, तुम्हें स्वमान की माला पहनना है, स्वमानधारी होकर रहना है। अपने एक एक स्वमान को याद करो, बाबा ने कितने सारे स्वमान दिए हैं, लिस्ट बनाओ, स्वमान की माला पहनो। तो पहन ली माला, लिस्ट बनाएंगे इसके, फिर होमवर्क है आप लोगों के लिए, क्या क्या स्वमान बाबा ने दिए हैं, क्या क्या दिया है। मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, पवित्रता का सागर हूँ। वाह, आप तो बाप समान बन गए। बोले बाबा खुश होंगे, हाँ हाँ बच्चे तू बन जा मेरे जैसा। मास्टर ज्ञान का, पवित्रता का सागर हूँ, और संतुष्ट आत्मा हूँ, और माला बनाना, माला बनाना। मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, आधार मूर्त हूँ, उद्धार मूर्त हूँ, इष्ट देव हूँ, इष्ट देवी हूँ, मास्टर ब्रह्मा हूँ, मास्टर गॉड हूँ। याद रहता है, मास्टर गॉड हूँ, जैसे गॉड हैं मैं भी मास्टर। इतना ऊंचा कोई सोच सकता है, सोच सकता है, मास्टर गॉड, मास्टर गॉड। लिस्ट बनाओ और सारे दिन, हाँ, मैं कौन, बाबा कहते जब भी मैं याद आए, मैं कौन, एक स्वमान याद कर लो, मैं ये, मैं ये, मैं ये। सारे दिन कितने नशे की स्थिति रहेगी, माला बनती जाएगी आपकी, माला बनती जाए। केवल माला बना करके उसको साइड में नहीं रखना है, पहने रहना है। जैसे बाबा ने माला पहना है ना, हमें भी बाबा माला पहना रहे हैं, तुम ये हो, तुम ये हो। और ये स्वमान हमें कितना ऊंचा कर देते हैं ना, हमारे अंदर भरपूरता ले आते हैं, शक्ति भर देते हैं, नशे से, उत्साह से, उमंग से भरपूर। कोई एक बार मुझसे पूछ रहा था कि आप इतने बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, आपको डर नहीं लगता, ऐसे बड़े बड़े होते हैं, अपने लेवल में बहुत बड़े बड़े हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब आए थे, जो शेरे कश्मीर कहे जाते हैं, बहुत यहाँ वहाँ बातें भी बहुत सारी होती हैं। तो बहुत बड़े बड़े राजनेता हों, ये हों, तो किसी ने कहा आपको डर नहीं लगता इतने बड़े बड़े लोगों से आप इंटरव्यू लेते हैं। तो फिर से सहज रूप से एक भाव, हमसे बड़े थोड़े हैं,
हमसे बड़े हैं? हमसे बड़े थोड़े, हम कौन हैं? बाबा कहते तुम हाईएस्ट होलीएस्ट और रिचेस्ट हो सारे कल्प में। तुमसे ना कोई हाईएस्ट है, ना कोई होलीएस्ट है, ना कोई रिचेस्ट है। भगवान के बच्चे हो, मास्टर गॉड हो, मास्टर ब्रह्मा हो, आधार मूर्त हो, पूर्वज हो, वो तो तुम्हारे बच्चे हैं। बोलना नहीं, अंदर की समझ, उन्हें हमें रिस्पेक्ट देना है। सब कुछ जो हमें व्यावहारिक तौर पे हम करते हैं, हमारा सम्मान है, प्यार है उनके ओहदे के अनुसार, लेकिन अंदर ये नशा, अंदर ये स्थिति, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, जब ये है तो आप संसार में शेर और शेरनी की तरह विचरण करेंगे। कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, बल्कि भगवान की छत्र छाया आपके साथ जो रहेंगे वो भी निर्भय, निश्चिंत और संपन्न हो जाएंगे। तो ऐसे रहना है ना, ऐसे रहना है ना। तो माला बनाना, ठीक है, माला बनाना, लंबी लंबी, जितनी लंबी अपने लिए माला चाहो उतनी लंबी बनाओ, है ना। तभी तो बाबा खुश होंगे ना, हाँ जैसे मेरे बच्चे मालाधारी हैं। फिफ्थ, ओम शांति भवन में स्वमान की माला, ठीक है। चलिए छठवे हमारे धाम में, छठवा धाम, छठवा धाम, छठवा धाम, प्रकाश स्तंभ। पहुंच जाओ प्रकाश स्तंभ में। देखो बड़ी दादी जी खड़ी हुई हैं और उनके हाथ में एक मुकुट है। प्रकाशमणि दादी खड़ी हैं, हाथ में एक मुकुट है, उस पे लिखा हुआ है संतुष्ट मणि, संतुष्ट मणि। मैं बाबा का ही वो महावाक्य आपको सुनाता हूं जो बाबा ने कहा, जहां संतुष्टता है वहां कोई अप्राप्त शक्ति नहीं। रियली अंडरलाइन करने जैसे महावाक्य, जहां संतुष्टता है वहां कोई अप्राप्त शक्ति नहीं। संतुष्टता माया और प्रकृति की हलचल को भी समाप्त कर देती है। संतुष्टता माया और प्रकृति की हलचल को समाप्त कर देती है। एक एक महावाक्य स्मरण करने योग्य, दिल में धारण करने योग्य है। नेक्स्ट बाबा ने इसी में कहा, ब्रह्मा बाबा ने भी संतुष्टता की शक्ति से हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त की। जितनी भी परिस्थितियां आई बाबा ने संतुष्टता की शक्ति के आधार पर विजय प्राप्त की। तो बाबा ने फिर होमवर्क दिया, अब अपने को देखो, अपने को देखो, मैं कितना संतुष्ट मणि बना हूं। दादी से ताज पहन लो, पहना ताज, पहना ताज सभी ने। दादी बहुत प्यार से हमें संतुष्ट मणि का ताज पहना रहे हैं। अब चेक करो ताज पहन के, मैं कितनी संतुष्ट मणि हूं। खुद के पुरुषार्थ से संतुष्ट हूं, खुद से संतुष्ट हूं, अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हूं, परिवार से संतुष्ट हूं, या ये ऐसा है, ये ऐसी है, ये वैसा है, इसके अंदर इतनी खामियां हैं, इतने साल से ज्ञान में चल रहे हैं फिर भी अभी भी गुस्सा करते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, छोटी छोटी बातों में उलझे रहते हैं। परिवार से संतुष्ट, बाबा ने कहा जितना बाबा से प्यार है उतना ही परिवार से भी प्यार है, 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 है? कोई परेशान करे तो, कोई आपकी चुगली करे, कोई आपकी लेग पुलिंग करे, हा? कोई बाधा डालता रहे, अच्छा लगेगा परिवार? नहीं बोल रहे हैं बहन जी, सही बोल रहे हैं। लेकिन अच्छा लगे,
अच्छा लगे। ये परिवार कोई रिवाजी परिवार नहीं है, बाबा कहते हैं ये ईश्वरीय परिवार है, भगवान का परिवार है। भगवान ने एक 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 रत्न को जगह जगह से चुन के इकट्ठा किया है। वन वन की काठी है, अलग अलग जगहों की बुलबुल हैं, अलग अलग तो गाएंगे राइट। अलग अलग देश के बुलबुल हैं तो अलग अलग गीत गाएंगे। छत्तीसगढ़ की बुलबुल छत्तीसगढ़ी में गाएंगे। अलग अलग राग होगा, अलग अलग भाषा होगी, लेकिन प्यार परिवार किसका। बाबा ने कहा, मैं एक दो चीजें रखता हूँ, वक्त हो रहा है, मैं 10 मिनट लूंगा, भले आप गीत बजा देना ताकि हम अपनी धामों की यात्रा पूरी कर सकें। बाबा ने कहा, जिन्हें बाबा ने चुना है उनके लिए तुम्हारे अंदर बहुत सम्मान और रिस्पेक्ट हो। यदि भगवान की सिलेक्शन में डिफेक्ट निकालते हो, भगवान की सिलेक्शन में डिफेक्ट निकालते हो, तो ये भगवान का डिसरिगार्ड है। ये सब कौन है? भगवान ने चुना है ना। अब आपको भगवान की भी पसंद पसंद नहीं आ रही तो कौन पसंद आएगा? उसने चुन चुन के कोटों में कोई को निकाला है। आप वर्तमान को देखते हो, वो भविष्य को, हमारी संपूर्ण स्वरूप को देखते हैं। यही तो हैं जो आपके बगल में बैठे हैं, जिनके मंदिरों में आप जाते थे, है ना, राइट। चलो, दोस्त अपने सेवा से भी संतुष्ट। सेवा से भी संतुष्ट, सेवा साथियों से भी संतुष्ट, राइट। अब ये चेक कि मैं कितना संतुष्ट हूं, है सेवा से संतुष्ट, सेवा साथियों से संतुष्ट है, चेक करना। दादी सबको कैसे संतुष्ट करती थी ना, कोई भी ऐसा नहीं जो दादी से असंतुष्ट हो, सबको। यदि कोई रूट भी जाता था, दादी उनको बुलाती थी, प्यार से मनाती थी, थी वो बड़ी, वो सोच सकती थी ना कि ठीक है हट नहीं संतुष्ट होता था, हट ना, बहुत छोटा सा भी हो उसको भी प्यार से बुला के संतुष्ट करती थी, खुश करती थी। अच्छा ये नहीं चाहिए, ये लो, ये ठीक है तुम्हारे लिए, हाँ ये लो, संतुष्ट करना। दादी कहती भी थी कि मैं सबका सुनती हूँ, सहती हूँ, समा लेती हूँ, इसलिए दादी बड़ी थे ना, ऐसी संतुष्टता की हमारी देवी दादी हमें भी संतुष्टता का ताज पहना रही हैं। पहन लिया सभी ने? चेक लेकिन जरूर कर, ना मैं किसी से असंतुष्ट, ना कोई मुझसे असंतुष्ट। पूरी कोशिश करें संतुष्ट रहें, नियम मर्यादाओं में रहते हुए। मर्यादाएं तोड़कर किसी को संतुष्ट नहीं करना है। जैसे कई भोली माताएं ज्ञान में शुरू में आई तो हमारे पति हमसे असंतुष्ट है क्योंकि हम उनको विष नहीं देते, बाबा तो कहता है संतुष्ट करो तो उनको विष दो। विष दोनों मतलब वो विष नहीं विकार रूपी विष। तो ऐसे नियम तोड़ के, मर्यादा तोड़ के किसी को हमें संतुष्ट नहीं करना है। ओके, प्रकाश स्तंभ में संतुष्ट मणि, तो संतुष्टता याद रखेंगे, संतुष्ट रहेंगे भी, सबको संतुष्ट करेंगे। आगे चलें, अगला धाम शक्ति स्तंभ। शक्ति स्तंभ देखें, जैसे शक्ति स्तंभ पे बहुत सुंदर लाइट माइट पवित्रता की किरणें फैल रही हैं, देखा है ना सबने शक्ति स्तंभ, दादी जानकी जी का शक्ति स्तंभ, शक्तियों की पवित्रता की किरणें। बाबा के महावाक्य, बाबा ने 8th और 10th मुरली में कहा, आप सभी ने पवित्रता के व्रत को धारण किया है ना, कितनी परसेंटेज में पवित्रता के व्रत को निभा रहे हो,
कितनी परसेंटेज में, और बाबा ने उसमें चेक करने के लिए दिया मन की पवित्रता, वचन की पवित्रता, कर्म की पवित्रता, संबंध संपर्क की पवित्रता, दृष्टि, वृत्ति, कृति और स्वप्न तक पवित्रता। इतनी पवित्रता अपने अंदर लानी है, कितनी आई है। मैं पवित्रता के सागर की संतान हूं, मुझे भी मास्टर पवित्रता का सागर बनना है। अंश मात्र भी अपवित्रता नहीं, स्वप्न में भी अपवित्रता नहीं, दृष्टि भी मेरी आत्मा पर जाए। यहां से ऊपर ही देखो, नीचे दृष्टि ना जाए। दृष्टि आत्मिक, जैसे बाबा आत्माओं को देखकर बात करते हैं ना, मैं भी आत्मा को देख करके बात करूं। जितनी आत्मिक दृष्टि होगी, जितने हम इस आत्मिक भाव में रहेंगे, जैसे ब्रह्मा बाबा ने कूट कूट के पक्का किया, मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, पवित्रता नेचुरल होती जाएगी। जितना अपने पांचों स्वरूपों को घुमाएंगे, देखो अपने स्वरूप को, पांचों स्वरूप हमारे परम पवित्र, अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, मध्य स्वरूप, हमारा ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप, कहीं अपवित्रता है? कहीं अपवित्रता? संपूर्ण पावन है हम। उस स्मृति में जितने रहेंगे पवित्रता आती जाएगी। तो अंश मात्र भी यदि अपवित्रता है, बाबा को देखे जाएंगे, ठीक है, या लेके जाएंगे। अच्छी अपवित्रता नहीं ना, संपूर्ण बाबा को अर्पित, मैं संपूर्ण पावनता का व्रत लेकर के यहां से जाऊं। और व्रत भी ऐसा जो प्राण जाए पर वचन ना जाए। प्राण भले चले जाए, मदद तो देखो भगवान कैसे करते हैं, दृढ़ तो रह के देखो, कोई समझौता नहीं। ये नहीं कि मोबाइल उठाया एकांत में और घुस गया, फिर उसमें तो दुनिया भर की चीजें हैं। जो देखेंगे, जो सुनेंगे, वही फिर वृत्ति बनती है। इसीलिए कोई गलत चीजें नहीं, कोई अपवित्र चीजें नहीं। वैष्णव हैं हम, पवित्र हैं, पवित्र दुनिया में जा रहे हैं। संपूर्ण पवित्रता मुझे अपने जीवन में लानी है इस लेवल तक कि स्वप्न भी पावन, वृत्ति भी पावन। बाबा कहते हैं व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। साधारण संकल्पों से ऊपर श्रेष्ठ संकल्पों में रहना, इसको बाबा कहते हैं संपूर्ण पवित्रता। ये इसकी परिभाषा है। इस पावन स्तर तक हमें पहुंचना है, ठीक है ना? पहुंचेंगे ना? कौन कौन पहुंचेंगे? बाबा खुश होंगे ना? हाथ देख के तो बाबा खुश हो जाते हैं। हाँ, तुम उठाओ, मैं मदद करने को मैं मदद करने को बैठा हूं ना, तुम हिम्मत तो रखो, आगे बढ़े। हमारा आठवां धाम अव्यक्त धाम, अव्यक्त लोक, दादी गुलजार जी का जो धाम है, अव्यक्त लोक, अव्यक्त स्तंभ कहें, अव्यक्त लोक कहें, वहां देखें दादी को, दादी गुलजार जी को, कितनी योगयुक्त मगन। देखा है ना हम सबने दादी को, देखा है ना? कभी दृष्टि इधर उधर नहीं। स्टेज पे भी बैठी हैं तो भी अपने में हैं। कौन इधर बैठा है, कौन, आपने देखा कभी दादी कि इधर कौन बैठा है? हाँ, इधर तुम बैठे हो, अच्छा पीछे कौन बैठा है? कनेक्टेड, योगयुक्त, स्थिर चित्त, इसको कहते हैं योगी के नयन स्थिर होते हैं, चंचल नहीं होते। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है? कई बार हम क्लास में जब बैठे रहते हैं, कोई क्लास में घुसता है तो उसको रिसीव करके हम लेके आते हैं जब तक वो बैठ नहीं जाता। कोई उठता है तो उसको बाइज्जत गेट तक छोड़ने के लिए कौन आ रहा है, कौन जा रहा है?
तुम वो करो ना जो तुमको तुमको ये ड्यूटी किसने वो भी अपनी दृष्टि से रिसीव करके बिठाते हैं, दृष्टि से उसको छोड़ के आते हैं। स्थिर, यहां बाबा ने कहा आठवीं, बाबा की सेवेंथ और ट्वेल्थ मुरली, यद्यपि 12 मुरली थी लेकिन उसको कंबाइंड किया है, सेवेंथ और ट्वेल्थ मुरली में बाबा ने कहा, जैसे स्थूल कार्य का टाइम टेबल बनाते हो वैसे मन का भी टाइम टेबल बनाओ, कर्म में योग को शामिल करो। देखें, जैसे दादी हमें एक बहुत सुंदर सा वरदान दे रही हैं बड़े से कार्ड में, और उस कार्ड में क्या लिखा हुआ है, टाइम टेबल, टाइम टेबल। लो दादी से ये वरदान, और अपने मन बुद्धि का टाइम टेबल कल अमृत वेले के बाद जरूर बनाना सारे दिन के लिए। कर्म में योग को कैसे शामिल करें, जैसे अपने तन का टाइम टेबल फिक्स करते हो, बाबा ने कहा मन का भी टाइम टेबल फिक्स करो। होमवर्क है हमारे लिए, होमवर्क है, क्या क्या सोचना है, क्या क्या अभ्यास करने हैं, कैसे कैसे स्वमानों में रहना। अपना टाइम टेबल नहीं बनाएंगे तो मन तो भागता रहेगा ना। भट्टी में यदि टाइम टेबल आपको ना दिया जाए कि आपको अमृत वेले इतने बजे आना है, इतने बजे क्लास में आना है, इतने बजे भोजन पे जाना है, इतने बजे शाम का योग होगा, टाइम टेबल नहीं होगा तो क्या करेंगे, क्या करेंगे है? कोई यहाँ जाएगा, कोई वहाँ जाएगा, कोई नक्की लेक पे दिखाई देगा। तो टाइम टेबल है तो आप उस टाइम के अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल फिक्स करते हो कि हाँ यहाँ जाना है, इतना 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 इतना। मन के लिए टाइम टेबल है, मन के लिए टाइम टेबल है कि सुबह उठ के मुझे ये प्रैक्टिस करनी है, मुरली क्लास में ये प्रैक्टिस करनी है, कर्म के समय ये प्रैक्टिस करनी है, खाते समय ये प्रैक्टिस करनी है, चलूंगा तो ये प्रैक्टिस करूंगा, बाबा के रूम में बैठूंगा तो ये प्रैक्टिस करूंगा। इज देयर एनी टाइम टेबल फॉर योर माइंड, बनाओ। इसलिए बाबा ने कहा होमवर्क है। तो आठवें धाम में हमें क्या मिला वरदान, टाइम टेबल, राइट, बनाना है। फाइनली नौवां हमारा धाम डायमंड हॉल, डायमंड हॉल, डायमंड हॉल में पहुंच। देखो बाबा बैठे हुए हैं डायमंड हॉल में और बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस बाबा से चारों ओर फैल रहे हैं, और बाबा के पीछे बड़ा सा लिखा हुआ है बोर्ड, मनसा सेवा, मनसा सेवा। बाबा ने इस पूरी सीजन की 12 मुरलियों में से 7 मुरलियों में अंडरलाइन कराया मनसा सेवा पे, और एसेंस ये था बाबा ने कहा मनसा सेवा जो करने को, कि बाबा ने कहा कि दुखी आत्माओं को खुशी का वरदान दो, ज्वालामुखी स्थिति में लाइट माइट हाउस बन करके लाइट माइट के किरणें सारे विश्व में फैलाओ, आत्माएं बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, बचाओ बचाओ चिल्ला रही हैं, सकाश दो, मनसा सेवा करो। 7 मुरलीस, 7 मुरलियों में बाबा ने ये कहा, बार बार अंडरलाइन कराया। तो हम सब मनसा सेवा इसे अपना आधार बना लेंगे, ठीक है। चले एक बार फिर से धामों की यात्रा कर ले, रिवाइज कर ले, फिर लास्ट में हाँ 1 मिनट सबको मनसा सेवा का दान देंगे। कहाँ से हमने शुरुआत की थी, पहला धाम हमारा बाबा की कुटिया, कुटिया में क्या तीव्र पुरुषार्थ करना है। दूसरा धाम बाबा का कमरा, कमरे में स्नेह, जैसे बाप स्नेह में समाया हुआ रहता है बच्चों के, बच्चों को भी स्नेह में समाये रहना है, लवलीन रहना है। हिस्ट्री हॉल, तीसरा धाम सर्व प्राप्तियां, सर्व प्राप्तियां कर लो, ये प्राप्तियां करने का समय है। शांति स्तंभ, चौथा धाम बाप समान, बाप समान बनना ही है, अंडरलाइन। पांचवा धाम ओम शांति भवन, क्या करना है,
स्वमानों की माला पहननी है, स्वमानों की लिस्ट बनानी है, ठीक है। छठवां धाम प्रकाश स्तंभ, क्या करेंगे, क्या पहना, दादी ने क्या पहनाया, संतुष्ट मणि का ताज पहनाया, तो ताज की लाज रखना है ना। उसके बाद हम कहाँ गए, सातवां हमारा धाम शक्ति स्तंभ, क्या किया, पवित्रता, गहराई से चेकिंग, पवित्रता परसेंटेज में नहीं लेकिन परफेक्ट हो। आठवां धाम अव्यक्त लोक, दादी ने क्या वरदान दिया, टाइम टेबल, मन का टाइम टेबल फिक्स करो। और फाइनली नौवां धाम डायमंड हॉल, बाबा ने क्या प्रेरणा दी, मनसा सेवा करो, सबको मनसा का दान दो, ठीक है। तो ये नौ धाम याद रहेगा, राइट, नौ धाम, नौ देवियां प्रसिद्ध हैं, नौ ग्रह प्रसिद्ध हैं, नौ रत्न प्रसिद्ध हैं, तो ये हमारे नौ धाम भी तो सिद्ध होने चाहिए ना। रोज एक बार चक्कर लगा लेना, तो इससे मुरली भी याद रहेगी, योग भी हो जाएगा और साथ ही साथ होमवर्क भी चलता रहेगा। फिर जब आप 10 अक्टूबर को बाबा के सामने जाएंगे तो बाबा आपको पलकों पे बिठा लेंगे, है ना। चलो अब मनसा सेवा करते हैं, एक मिनट सारे विश्व को सकाश देंगे। Shit.